हेलो जी, मैं आज हम देखेंगे गोनोकोकाई। तो गोनोकोकाई नेजोरिया गोनोरिया बैक्टीरिया है। जो नेजोरिया गोनोरिया है ये गोनोरिया कहलाता है। मॉर्फोलॉजी ग्राम नेगेटिव गोनोरिया, नेजोरिया गोनोरिया ग्राम नेगेटिव। ओवल कोकाई डिप्लो कोकाई दो दो रहते हैं, डिप्लो कोकाई। और पिलाई पाए जाते हैं इसके सरफेस पे। ये पिलाई एडेशन में चिपकने में हेल्प करते हैं। वो जो पीलिएटेड गोनोकोकाई है ये ह्यूमन आरबीसी को एग्लूटिनेटेड कर देता है, एग्लूटिनेट कर देगा ह्यूमन आरबीसी को, जिसमें पिलाई पाए जाते हैं। कल्चर की बात करें तो एरोबिक होता है, बट एनारोबिकली भी अच्छे से ग्रो कर लेता है। 35 से 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसे, और चॉकलेट अगार मीडियम या इंडीज्ड मीडिया चाहिए। थायर मार्टिन मीडियम में भी ये ग्रो करता है। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, तो इसमें 5 कॉलोनीज पाई जाती है, T1 से लगा के T5 तक, T1, T2, T3, T4, T5। इसकी जो कॉलोनियाँ हैं वो कैसी होगी, छोटी छोटी स्मॉल राउंड कॉलोनी होगी, ग्रे कलर की, ट्रांसल्यूसेंट कॉन्वेक्स कॉलोनीज रहेगी, और ग्रेनुलर सरफेस पाया जाएगा। बायोकेमिकल रिएक्शन, नेजेरिया गोनोरिया जो है वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ग्लूकोज को फर्मेंट कर देता है, बट में बाल्टोज को नहीं करता, ठीक है। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कैप्सूल एंटीजन, पिलाई में एंटीजन पाया जाता है, लिपोपोलीसेक्राइड एंटीजन, और कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे 1, 2, 3 प्रोटीन। तो कैप्सूल, पिलाई, लिपोपोलीसेक्राइड और प्रोटीन 1, 2, 3। रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत डेलिकेट ऑर्गेनिज्म है ये। ह्यूमन होस्ट के बाहर 1 से 2 आवर में किल हो जाता है हीट के द्वारा, ड्राइंग से और एंटीसेप्टिक से भी किल हो जाएगा। पैथोजेनेसिस, ऑप्थेल्मिया न्यूनेटम कराता है ये, नॉन वेनेरल कंजक्टिवाइटिस, गोनोकोकल बल्बो वेजिनाइटिस, वेजाइना का इन्फ्लामेशन, ऑप्थेल्मिया न्यूनेटम, बच्चों का ऑप्थेल्मिया, नॉन वेनेरल कंजक्टिवाइटिस मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो नहीं होता कंजक्टिवाइटिस वो करा रहा है। उसके अलावा अदर इन्फेक्शन जैसे कि गोनोकोकल फेरेंजाइटिस ये भी कराता है। अब गोनोरिया क्या है, गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो कि पूरे यूरेथ्रा को इन्वॉल्व करती है दोनों सेक्सेस में, बट जो फीमेल है, फीमेल के केसेस में एंडोसर्विक्स को इन्वॉल्व करती है, ये प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन है। इनक्यूबेशन पीरियड गोनोरिया का 2 से 8 दिन होता है। एक्यूट यूरेथ्राइटिस, एक्यूट यूरेथ्राइटिस में पुरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज, जो यूरेथ्रा का डिस्चार्ज है वो पस वाला आएगा एक्यूट यूरेथ्राइटिस में। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है मेल्स में, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है मेल फीमेल में। उसके अलावा जो मेल्स होते हैं उसमें पर्टिकुलरली टेस्टिस, प्रोस्टेट वेसाइकल्स, सेमाइनल वेसाइकल और पिडाइडामिस को अफेक्ट करता है। अब जो अनट्रीटेड और जो अनट्रीटेड पेशेंट है उनमें क्या होगा, फाइब्रोसिस और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा आगे चल के। इन्फेक्शन जो है वो कहाँ फैल जाएगा, इन्फेक्शन जो है वो पेरी यूरेथ्रल टिश्यू में फैल जाएगा, वहाँ पे अब्सेस बन जाएंगे और बहुत सारे मल्टीपल साइनस में डिस्चार्ज भरा रहेगा साइनस के अंदर। उस डिस्चार्ज भरे हुए साइनस को कहेंगे वाटर कैन पेरिनियम, ठीक है, तो वाटर कैन पेरिनियम कहेंगे उसे। इसके अलावा इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर का इन्फ्लामेशन भी करता है, जिसे हग क्यूटिस सिंड्रोम भी कहते हैं, फिट्स हग क्यूटिस सिंड्रोम। एपिडेमियोलॉजी, तो ये जो गोनोरिया है ये इन्फेक्शन कैरियर के द्वारा फैलता है, और वेनेरल नॉन वेनेरल दोनों तरीके का इन्फेक्शन फैलाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं हो वो वाला। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो ये स्पेसिमेन कलेक्शन करना पड़ेगा यूरेथ्रा से, सर्वाइकल डिस्चार्ज, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करो मीडिया में, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, एंटीजन डिटेक्शन, कल्चर मीडिया लगा लो, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, उसके अलावा बायोकेमिकल रिएक्शन, सुप्रेक्सोल टेस्ट, सीरोलॉजी। उसके अलावा ट्रीटमेंट में क्या है, लो लेवल रेजिस्टेंस और हाई लेवल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ट्रीटमेंट इसका। और प्रोफाइल एक्सेस में हमें जितना जल्दी हो सके उसे अर्ली डिटेक्शन कर लेना है, साथ में जनरल मेजरमेंट देना है, वैक्सीनेशन का कोई रोल नहीं है प्रोफाइल एक्सेस में। ये डायग्राम दिख रहा है नेजेरिया गोनोरिया इन यूरेथ्रल पस, यूरेथ्रा के जो पास है उसमें गोनोरिया का डायग्राम।
इनसेट इन लार्ज व्यू स्लोइंग डिप्लो को कई दो दो को कई दिख रहे हैं जो कि कौन क्यों ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लो को कई नेजोरिया गोनोरिया। तो नेजोरिया गोनोरिया ठीक है, गोनोरिया करा रहा है।